आपको मैं बता दूं, ये कुछ भी कर लें, इनके सरकार से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। ये कुछ भी कर लें, इनके सरकार से अपराध खत्म नहीं हो सकता है। आप बताइए, ये लोग कहते थे मच्छर और माफिया शहर से बाहर है, दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, एक भी पर्दाफाश नहीं हो रहा है। कौन सा इनका सुशासन है? सीएम सिटी कहलाता है, सीएम सिटी का ये हाल होना चाहिए तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? हत्या, बलात्कार, अपहरण, थाने में पिटाई, थाने में दारू पीना, ये सब कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है। और भ्रष्टाचार और ये अपराध जड़ में समा चुका है और कहीं ना कहीं सत्ता इनको संरक्षण दे रही है, ये कहाँ तक सुधरेंगे? आज जनता त्राहिमाम किए हुए है उसका। लोकसभा चुनाव के बाद गोरखपुर के आम आदमी पार्टी के संगठन में बदलाव हुआ है। महानगर विजय श्रीवास्तव को अब जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? विधान लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने काफी कमाल किया, उसके बाद आपको पदोन्नत दे दी गई है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मेरी जो पदोन्नति हुई है या जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने जो भी संघर्ष किया गोरखपुर में उसको जनता तक पहुंचाने का आप लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संजय सिंह जी ने हमको गोरखपुर का जिलाध्यक्ष का पद सौंपा है, मैं उनकी और गोरखपुर की जनता की कसौटियों पे खरा उतरने का काम करूंगा, और जैसे पहले दमदारी से, ईमानदारी से जनहित की लड़ाई लड़ता था, उससे भी और तेज गति से मैं यहाँ पे कार्य करूंगा और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंडिया गठबंधन के तहत हम लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी को उसके औकात में लाने का काम किया था, अब आगे का कार्य ये होगा कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा और उत्तर प्रदेश सत्ता से इनकी विदाई की जाएगी। विजय जी, सबसे पहला सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव के बाद में एक्शन मूड में आ गए हैं, लगातार संगठन से सरकार तक फेरबदल हो रहा है, सबको टाइट किया जा रहा है, जो कमियां थी उसको दुरुस्त किया जाएगा, तो 2027 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पुराने तेवर में नजर आ रही है और अपने कमियों को दूर कर रही है, तो कितना आप निपट पाएंगे 2027? आपको मैं बता दूं, ये कुछ भी कर लें, इनके सरकार से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। ये कुछ भी कर लें, इनके सरकार से अपराध खत्म नहीं हो सकता है। आप बताइए, ये लोग कहते थे मच्छर और माफिया शहर से बाहर है, दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, एक भी पर्दाफाश नहीं हो रहा है। कौन सा इनका सुशासन है? सीएम सिटी कहलाता है, सीएम सिटी का ये हाल होना चाहिए तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? हत्या, बलात्कार, अपहरण, थाने में पिटाई, थाने में दारू पीना, ये सब कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है। और भ्रष्टाचार और ये अपराध जड़ में समा चुका है और कहीं ना कहीं सत्ता इनको संरक्षण दे रही है, ये कहाँ तक सुधरेंगे? आज जनता त्राहिमाम किए हुए है उसका कोई भी कार्य प्रशासनिक जो होता है, चाहे शासन स्तर पे चाहे प्रशासन स्तर पे, कोई जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है। अधिकारी, पुलिस, ये सब धनातोहन में लगे हुए हैं और एक तरफा भ्रष्टाचार चल रहा है इनका, और सरकार हमारे मुख्यमंत्री महोदय आंख मूंदे बैठे हुए हैं, क्या इनके बारे में कहा जाए? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए थे तो सरकार से लेकर संगठन बैठक करके सबको जो है कानून व्यवस्था के साथ साथ जो जनता की मुद्दे हैं उन पे सुलझाने के लिए सबको टाइट किए हैं। देखिए, अगर आप किसी भी पीड़ित से अगर आप उसे पूछ लें क्या उसको न्याय मिल रहा है, वो रो देगा, उसके आंख से आंसू आ जाएगा। लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गए, ये जो प्रशासनिक जो जातियां हो रही हैं और प्रशासन के अधिकारी जो आम जनता का बात नहीं सुन रहे हैं। किसी भी तरह का नकेल कसने उसने की कोई बात नहीं है। कोई भाजपा का नेता, कोई विधायक, कोई सांसद आज इस स्थिति में नहीं है कि जिलाधिकारी को या किसी पुलिसकर्मी को ये कह दे कि तुम जनता के साथ न्याय करो, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये खुद डूबे हुए हैं। जब ये खुद थाने की पोस्टिंग पे दलाली का पैसा लेंगे, जब ये खुद अधिकारियों कर्मचारियों से पैसा लेंगे, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि ये लोग न्याय करेंगे और न्याय कराएंगे? इंडिया गठबंधन का 2027 में भी उत्तर प्रदेश में रहेगा, क्योंकि देखा जाए दिल्ली में चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव तक ही गठबंधन था, हम गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। देखिए, आपसे कहा दिल्ली का चुनाव जहां तक की बात कही गई थी, इंडिया गठबंधन से वो बाहर नहीं हुए हैं।
दिल्ली का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव होता है, वहाँ विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का एक अलग अलग माहौल बना रहता है, और हमारे ऊपर के जो नेता हैं वो इसके लिए निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो गठबंधन के तहत ही होगा, और मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से हमारे सांसद जीते हैं और उसी हिसाब से हमारे विधायक भी जीतेंगे, और योगी जी की जो ये सरकार है जो योगी जी के ही कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये सत्ता कभी अमित शाह से गवर्न होती है, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी से गवर्न होती है, और ये सरकार ही दुविधा में पड़ी हुई है। इस ऐसे सरकार को, ऐसे बिना नकेल वाली सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे। आम आदमी पार्टी के लगातार नेताओं को शराब के मामले में देखा जाए जेल जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि शराब के घोटालेबाज हैं। आप देखिए, अब तक एक भी सबूत ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ आज तक ये एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। इनको असली जो मकसद था इनका कि दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव था वहां से ध्यान भटकाने के लिए और हमारे नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार न कर पाए ताकि हमारे प्रत्याशी जीत न जाए और इनकी इज्जत न चली जाए, सिर्फ इतना ही इनको कुचक्र रचना था। क्योंकि आज तक ये यही नहीं डिसाइड कर पाए कि घोटाला 10 करोड़ का है कि 100 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है। इनके नेता अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, और लास्ट में तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि जो नेता है वो बहुत ही चालाक है, इसलिए एक भी सबूत नहीं मिल पाया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने ये बात कहता है तो इसका मतलब ये है कि इनको वाकई में कोई सबूत नहीं मिला है, और बिना सबूत के पीएमएलए एक्ट के तहत हमारे नेता को जेल में रखा गया है। न्यायपालिका पे हमको विश्वास है और जल्दी हमारे नेता बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे नकेल कसने का काम करेंगे। गोरखपुर में संगठन को कितना मजबूती देने का कार्य करेंगे नई जिम्मेदारी में? देखिए, हमारे वहाँ 9 विधानसभा है, सबसे पहले विधानसभाओं का गठन होगा, जिले की कार्यकारिणी बनेगी, और जो भी हमारे युवा साथी, जो हमारे, आप सोचिए विषम परिस्थितियों में इसी प्रेस क्लब में हम लोगों ने तमाम लोगों को इस चुनाव के दौरान पार्टी ज्वाइन कराया, जो लोग आम आदमी पार्टी के बारे में समझ रहे हैं उसको महसूस कर रहे हैं और ऐसे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं और बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ने वाले हैं, और ये संगठन के एक एक बूथ स्तर तक ले जा करके और भारतीय जनता पार्टी को यहां से हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दमदारी के साथ पूरे गोरखपुर में कार्यक्रम चलाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।